हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट वाली पनीर की सब्जी बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं बिना टमाटर के बहुत ही टेस्टी और चटपटी पनीर हैदराबादी। पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख दिया है। 200 ग्राम पनीर का क्यूब करके लिया है और मैंने ट्रायंगल पीस में इसे कट किया है, ये अंदर डाल देंगे। पनीर को तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे और एकदम तेल गरम करके ही डालना है। नीचे से लाइट ब्राउन हो गया है तो इसे पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी तेज आंच पे लाइट ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। एक सॉस पैन में मैंने एकदम तेज उबलता हुआ गर्म पानी लिया है और इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया था। ये गर्म पानी में हम पनीर को डालेंगे। इस तरह से गर्म पानी में पनीर को डालेंगे तो पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म पानी में रखेंगे और फिर पानी में से निकाल लेंगे। एक मीडियम साइज की हरी शिमला मिर्च, आधी पीली शिमला मिर्च और आधी लाल शिमला मिर्च ली है। इसका मैंने ट्राइंगल डाइस किया है, ये अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास पीली और लाल शिमला मिर्च नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। तेज आंच पे शिमला मिर्ची को 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। इसे 2 मिनट कुक किया है, शिमला मिर्ची को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। निकाल लेंगे। इसे अभी साइड में रखेंगे। यही कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे, 1 पिंच नमक डालेंगे, 1 पिंच हींग। नमक और हींग डालने से सरसों के तेल का फ्लेवर निकल जाएगा। इसे धुआं निकले तब तक गर्म करेंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है तो गैस ऑफ कर देंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज की लंबी और पतली स्लाइस की है, ये डाल देंगे। वापस गैस चालू कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक भुनेंगे। 1 छोटी गाजर का पतला और लंबा पीस किया है, ये डाल देंगे 1/4 कप जितना है। 1 मिनट के लिए गाजर को भुनेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके लिया है, 4 लहसुन की कली और 3 हरी मिर्ची को स्लेट करके लिया है, ये डाल देंगे। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को धीमी आंच पे भुनेंगे। 1/2 कप हरा धनिया दंडी के साथ में लिया है और 1/4 कप पुदीने के पत्ते हैं, ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के कुक करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे कुक किया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक डिश में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा करेंगे। ये एकदम ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे और फाइन पेस्ट बनाएंगे। यही कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। 1 बड़ी इलायची को ऊपर से खोल के लिया है, 2 छोटी इलायची को भी ऊपर से खोल के लिया है, 1/2 चक्री फूल, 5 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग लिया है, ये डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के भुनेंगे। प्याज की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। 1/2 कप एकदम फ्रेश और गाढ़ा दही को अच्छे से फेंट के लिया है, ये डालेंगे। 100 ग्राम जितना दही डालना है। धीमी आंच पे लगातार चला के दही को मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे तेज आंच पे लगातार चला के कुक करेंगे। दही को ऐसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा, तेल सेपरेट हो जाएगा। तब तक हम इसे लगातार चला के कुक करेंगे। दही को अच्छे से कुक कर दिया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक लिया है, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सब अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट धीमी आंच पे मसाले को भुनेंगे। 1/2 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया था, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल सेपरेट हो जाएगा तब तक इसे कुक करेंगे। तेल सेपरेट हो गया है, गैस की फ्लेम धीमी करेंगे और 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। 10 से 12 काजू का एक का दो पीस किया है ये डाल देंगे। पनीर और शिमला मिर्च फ्राई की है ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा से पौना कप तेज गर्म पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए तब तक मैंने इसे कुक कर दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। लास्ट में 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। पनीर हैदराबादी सब्जी रेडी है। पनीर हैदराबादी सब्जी बनके रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।